हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड एंड अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे Q2 FY 21 का जो रिजल्ट आया है, उसमें गोदरेज एग्रोवेट का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर में हुआ है 1255.9 करोड़ रुपीज़ कम्पेयर टू 1391.9 करोड़ रुपीज़, यानी कि 9.8% का डाउनफॉल हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे कंसोलिडेटेड इनकम देखें तो ये 1732 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 1862 करोड़ रुपीज़, यहाँ पे 7% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करें तो ये 135.9 हुआ है कम्पेयर टू 120 फॉर द क्वार्टर, यानी कि 13.2% का राइज हुआ है। और कंसोलिडेटेड की बात करें तो 181.5 हुआ है कम्पेयर टू 131.1, यानी 38.5% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये 107 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 93 करोड़ रुपीज़, यानी कि इसमें भी 14.9% का स्टैंडर्ड ऑन में ग्रोथ हुआ है। एंड कंसोलिडेटेड की बात करें तो ये 150 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 81 करोड़ रुपीज़, यानी कि ये भी 84.4% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो 82.8% हुआ है करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 100.6, यानी 17.7% का फॉल हुआ है। एंड कंसोलिडेटेड देखें तो 115.5 कम्पेयर टू 102.7 हुआ है, यानी कि ये 12.5% का राइज हुआ है। दोस्तों, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 78.9 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 77.5 करोड़ रुपीज़, यानी कि ये 1.9% का ग्रोथ है। एंड कंसोलिडेटेड की बात करें तो 111.7 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 69.3 करोड़ रुपीज़, यानी कि 61.2% का ग्रोथ। दोस्तों, ओवरऑल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, दैट इज़ गुड फॉर कंसोलिडेटेड रिजल्ट एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ रिजल्ट। दोस्तों, यहाँ पे हाफ ईयरली अगर रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 19.9% का राइज हुआ है एंड एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 212.2 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 146.9 पर, यानी कि 44.5% का ग्रोथ हुआ है। एंड इवन इन स्टैंडर्ड लोन इफ यू सी 165.4 करोड़ हुआ है कम्पेयर टू 145.8, यानी कि 61.2% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, ओवरऑल स्टैंडर्ड लोन एंड कंसोलिडेटेड बोथ हाफ ईयरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है और बेहतरीन रहा है। दोस्तों, यहाँ पे H1 FY 21 सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट रेवेन्यू मिक्स में एनिमल फीड का जो है 43.9% है, काफ़ी बड़ा स्टेक कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन 19% का है, उसके बाद ऑयल पाम प्लांटेशन 13.1% है। दोस्तों, यहाँ पे एनिमल फीड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करें तो कंट्रीब्यूशन 28.9% एंड क्रॉप प्रोटेक्शन का जो प्रॉफिट है कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बढ़िया है 47.9%। दोस्तों, ओवरऑल काफ़ी सारे बिजनेस सेगमेंट्स है, इनके पास काफ़ी मिक्स है, रेवेन्यू मिक्स है, तो कोई एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर्स जो होल्डिंग है वो 70.1% है। इसके अलावा FII 15.4% है, DII 5.1 है एंड अदर्स है 9.5%। यहाँ पे जो मेजर इन्वेस्टर्स है वो है, आप देख सकते हो दूसरे LIC ऑफ इंडिया, कोटक म्यूचुअल फंड, DSP, ICICI म्यूचुअल फंड, बजाज होल्डिंग, टाटा AIG एंड JP Morgan जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी की Q2 रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ख़राब रिजल्ट आया है और प्रॉफिट प्लंजिस ओवर 82% टू 17.57 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, आज इन्होंने जो रिपोर्ट किया है उसमें 82% का डिक्लाइन आया है इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और ये 17.57 करोड़ रुपीज़ हुआ है इन सेप्टेम्बर क्वार्टर, मेनली ड्यू टू हायर एक्सपेंसिस। दोस्तों, ये जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 102.29 करोड़ रुपीज़ था इन क्वार्टर एंडेड इन सेप्टेम्बर 30, 2019। दोस्तों, इसके अलावा जो टोटल कंपनी की इनकम है वो 718.14 करोड़ हुआ है, वो काफ़ी बड़ा है फ्रॉम 711.96 करोड़ रुपीज़ इन सेम पीरियड अगो। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी की जो इनकम है वो बड़ी है, हालांकि इतनी नहीं बड़ी है, वो मार्जिनल राइज हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट है नेट वो काफ़ी डाउन हो गया है एंड दैट इज़ इन्होंने बताया ड्यू टू हायर एक्सपेंसिस। दोस्तों, तो ओवरऑल दोनों कंपनी के रिजल्ट आए हैं, हालांकि मिक्स रिजल्ट रहे,
लेकिन दोनों की दोनों कंपनी काफ़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है और गोदरेज एग्रोवेट ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन बोथ गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड एंड अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।